बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम सामान से मिनटों में तैयार होगी ये मुंह में घुल जाने वाली ऐसी मिठाई जिसे खाने के लिए हो जाएगी लड़ाई। देखने भर से ही मुंह में पानी आ जाएगा, खाए बिना मन रह नहीं पाएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मिठाई, खाने में ये जितनी टेस्टी है बनाने में ये उतनी ही आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर इजी, सुपर टेस्टी रस भरा ब्रेड खीर टोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 5 ब्रेड स्लाइस। सिंपल मैंने यहाँ पर ये सैंडविच ब्रेड ली है, आप कोई भी ब्रेड इस मिठाई को बनाने के लिए ले सकते हैं। यकीन मानिए ये मिठाई खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि जब दिल कर जाए आपको मीठा खाने का, आप इसी को बनाना चाहेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक ब्रेड स्लाइस और ब्रेड की जो ये एजेस देख रहे हैं ना, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसका एक फाइन पीस निकाल लेंगे। और ये जो एजेस हैं, इनको आप मिक्सी में डालकर पीस कर फाइन पाउडर बना के रख सकते हैं। किसी भी ग्रेवी वगैरह को गाढ़ा करने में या किसी भी स्नैक्स में, आलू वगैरह में आप ये डाल सकते हैं। तो सारी ब्रेड बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे और बस एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसको इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। परफेक्ट, लीजिए सारी ब्रेड है हमारी बिल्कुल रेडी। फटाफट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब एक कढ़ाई में तेल या घी को हम बिल्कुल बढ़िया से पहले गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर और धीरे धीरे सारे ब्रेड के पीसेस को बढ़िया से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे, कोई भी ब्रेड जले नहीं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, और बस इस तरह से उलट पुलट करते हुए ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है और बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये मिठाई ऐसी है कि जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, जिसके लिए आपको कुछ भी बाजार से नहीं लाना, बड़े तो बड़े बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है ये मिठाई। और ये देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। इस स्टेज पर हम अपने सारे ही ब्रेड टोस्ट निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर क्रिस्पी गोल्डन कलर आया है। और सारे ही ब्रेड टोस्ट को इस तरह से एक थाली के ऊपर जाली लगा करके निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपने सारे ब्रेड टोस्ट तैयार कर लेंगे। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक कोई पैन या कोई पतीला और इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। कोई भी कटोरी सेट कीजिए, उस अनुसार 1 कटोरी चीनी लीजिए और इसमें हम डालेंगे उसी कप से 1/2 कप पानी, यानी उसी कटोरी से 1/2 कटोरी पानी। फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और फटाफट से चीनी को पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। इसकी हमें बनानी है 1 तार की चाशनी, बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं, बस इतना कि 1 तार आने वाला हो, ऑलमोस्ट आने वाला हो, बस इतना भर हमें इसको गाढ़ा करना है। और चीनी हमारी पूरी तरह से घुल गई है तो इस स्टेज पर फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 2 क्रश्ड इलायची, इससे बढ़िया से खुशबू आ जाएगी। आप चाहे तो केसर के स्टेंट्स भी डाल सकते हैं। चाशनी को ना तो बहुत ज्यादा पतला रखेंगे ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। अगर आपने बहुत ज्यादा पतली रखी तो ब्रेड एकदम से सौगी मुलायम पड़ जाएंगी और बहुत ज्यादा गाढ़ी रखी तो अंदर तक रस नहीं जा पाएगा। चिपचिपी हल्की सी गाढ़ी चाशनी। और लीजिए चाशनी हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, 2 फिंगर के बीच में इस तरह थोड़ी चाशनी आप लेकर देखिए, तो जब छुएंगे तो चिकनाहट सी आपको लगेगी। इस तरह जब मैं 2 फिंगर मिला रही हूँ तो देखिए पूरे खिंच नहीं रहा लेकिन हल्का चिपचिपापन है। बस इस स्टेज तक ही हमें चाशनी को पकाना है। गैस को कर देंगे बिल्कुल बंद और अब फटाफट से करेंगे एक डिलीशियस वाला नेक्स्ट स्टेप। गरम चाशनी में जो हमारे फ्राइड पीसेस रखे हुए हैं ब्रेड के टोस्ट, उनको हम इस तरह से बस डालेंगे और कुछ सेकंड बस उलट पुलट करके निकाल लेंगे। ज्यादा देर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे वरना ये मुलायम पड़ जाएंगे, फिर वो बात नहीं लगेगी ब्रेड खीर टोस्ट में। बस इस तरह डालें और थोड़ा सा उलट पुलट कर दें कुछ सेकंड के लिए, बस इसी तरह डिप रहने दें, मतलब क्रंच इसका ना बना रहना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो शाही टोस्ट जैसा है। शाही टोस्ट का आप इसे बोल सकते हैं एक सिंपलेस्ट और एक इजियर वर्जन, या फिर आप इसे नेक्स्ट लेवल शाही टोस्ट भी बोल सकते हैं। और इस तरह से निकाल करके एक छलनी पर डाल देंगे, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे गिर जाएगी। आपके पास अगर पहले से लेफ्ट ओवर चाशनी हो, जैसे गुलाब जामुन वगैरह घर में आते हैं तो उसकी चाशनी बच जाती है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। तो सारे ही हम टोस्ट बिल्कुल इसी तरह से चाशनी में डिप करके तैयार कर लेंगे। है ना एकदम आसान मिठाई। और ये ब्रेड से बनी ये मिठाई स्पेशली बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी खास बात यही है कि ये एक पीस खाएंगे ना तो आप इसको दोबारा जरूर उठाएंगे। और इसको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर चाशनी को बिल्कुल भी ज्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि जमने के बाद ना चाशनी फिर ऊपर से आपको सफेद सफेद दिखेगी, लेकिन इस कंसिस्टेंसी की रखेंगे तो ये इसी तरह शाइनी बने रहेंगे। और फ्रेंड्स ये जो थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच बची हुई चाशनी है, इसका भी अभी हम यूज कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे रस भरे ब्रेड टोस्ट है बिल्कुल तैयार। फटाफट करते हैं डिलीशियस वाला एक छोटा सा स्टेप।
अब आप लीजिए एक पैन और पैन में हम डालेंगे एक कप दूध या एक कटोरी दूध ले लीजिए। पहले से उबला हुआ या कच्चा कोई भी दूध आप यहाँ पर ले सकते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट खीर मावा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 5 बड़े चम्मच दूध का पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप दूध का पाउडर यहाँ ले सकते हैं। अभी मैंने पैन को गैस पर नहीं रखा है, पहले सारी चीजें मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम गैस पर चलाएंगे जिससे कि दूध में लम्स नहीं बनेंगे। अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। सिंपल रूम टेम्परेचर पर ही दूध को लेना है, न गर्म न ठंडा। दूध का पाउडर मैंने बिल्कुल बढ़िया से दूध में मिक्स कर दिया है। ये वो इंस्टेंट वाला खीर मावा बनाने का तरीका है जिसमें कोई मेहनत नहीं है। मीडियम फ्लेम पर पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और लगातार इस तरह से चलाएंगे जब तक कि ये बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। अगर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप फिर 2 कप दूध लें और उसको लो फ्लेम पर धीरे धीरे गाढ़ा कर लें। वैसे भी आप तैयार कर सकते हैं इस खीर मावे को और बहुत ही जल्दी इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगेगी, बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। तो बस इस स्टेज पर जब हल्की थिकनेस आने लगे इसमें हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच घी, बस थोड़ा सा। अच्छे से करेंगे लो फ्लेम पर मिक्स और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है। बहुत ही मिनटों में ये तैयार होता है। फ्लेम मैंने लो मीडियम रखी हुई है, मैं लगातार चला रही हूँ। बस इस स्टेज पर जब इसका गाढ़ापन आना शुरू हो जाए इसमें हम डाल देंगे हमारी बची हुई चाशनी। 2 बड़े चम्मच के करीब चाशनी डालेंगे और अच्छे से लगातार चलाते हुए कर लेंगे मिक्स। और ये देखिए बहुत ही जल्दी हमारे दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है। बहुत ही टेस्टी ये खीर मावा तैयार हुआ है इस प्रोसेस से, ये देखिए। अब जैसे ये मैंने खीर मावा तैयार किया है, आप चाहे तो इसकी जगह अगर आपके घर में दूध वाले पेड़े हो या आपके पास सफेद बर्फी पड़ी हो तो उसको भी आप मिक्सी में चूरा करके डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, उससे भी आप ये खीर मावा तैयार कर सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होके ये भी और गाढ़ा हो जाएगा। तो फटाफट से इसको निकालेंगे एक बोल में और हल्का सा ठंडा होते ही तैयार करेंगे अपने ब्रेड खीर टोस्ट। और ये लीजिए हमारे ब्रेड खीर टोस्ट के लिए सब चीजें तैयार। और ये देखिए क्या यम्मी हमारी खीर मलाई भी है तैयार। ऐसे ही खा लेंगे दोनों ही चीजें, इतनी टेस्टी हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे हमारा तैयार ब्रेड टोस्ट और उस पर लगाएंगे बहुत ही डिलीशियस वाली खीर मलाई, बिल्कुल इस तरह स्प्रेड कर देंगे और दूसरा ब्रेड टोस्ट इसके ऊपर सैंडविच कर देंगे। साइड से जो भी एक्स्ट्रा मलाई निकली हुई हो उसको हटा देंगे। बहुत ही शानदार और डिलीशियस हमारा ब्रेड खीर टोस्ट है बिल्कुल तैयार। लेफ्ट ओवर मिठाई पेड़ से भी इसको तैयार कर सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। किसी भी मेहमान के आने पर भी जब आप इसे बनाएंगे तो जो खाने वाले वो वाह वाह करेंगे, तो सभी को बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे ब्रेड खीर टोस्ट। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये आज की झटपट बनने वाली शाही टुकड़ा में एक स्पेशल ट्विस्ट के साथ ये ब्रेड खीर टोस्ट बनाने की रेसिपी। ऊपर से एकदम क्रिस्पी रस भरे, अंदर से एकदम मलाईदार मावे के साथ मजा आ जाए। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले यूनिक स्टाइल के स्पेशल मुंह में पानी ला देने वाले ब्रेड खीर टोस्ट। लुकिंग ही ऐसी है कि देखने के बाद कोई रुक नहीं पाएगा, सीधे मिठाई उठाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्पेशल ब्रेड खीर टोस्ट की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, मेरी क्रिएटिविटी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।